आपको अपडेट कर रहे हैं रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के हवाले से। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के यूनिट नवाबशाह, यूनिट बांदी और मरकजी नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद शफी रहमानी ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में अपनी मदद आपके तहत सैलाब मुतासरीन में खुश्क राशन और खाना तकसीम किया। मजीद तफसीलात जानते हैं नवाब शाह से शेर मोहम्मद रहमानी की इस रिपोर्ट में। शदीद मौसमी बदलाव की वजह से होने वाली गैर मामूली बारिशों ने सिंध और बलोचिस्तान में तबाही की नई कहानियां रकम की हैं। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर नवाब शाह और बांदी के रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट की काविशें लायक तहसीन हैं। अपनी मदद आपके इस जज्बे के तहत रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड पाकिस्तान के मरकजी नायब सदर जनाब डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी ने नवाबशाह में गवर्नमेंट स्कूलों में बैठे मुतासरीन सैलाब को खाना तकसीम किया। बाद अजाम मरकज रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड पाकिस्तान की माली ताउन की बदौलत पहले मरहले में मौरखा 1 सितम्बर को 55 मुतासरीन खानदानों में, जबकि दूसरे मरहले में 75 मुतासरीन खानदानों में राशन पैकेज तकसीम किया गया। मजकूरा पैकेज में आटा, चीनी, घी, चावल, दाल, पत्ती, मच्छर कोयल, साबुन और दीगर अशिया शामिल थीं। मौरखा 11 सितंबर बरोज़ एतवार बांदी यूनिट की दरख्वास्त पर मरकजी नायब सदर जनाब डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी यूनिट नवाबशाह के दीगर अहदेदारान के साथ बांदी के सैलाब मुतासरा गाँव मिस्री खाश के लिए पहुँचे, जहां यूनिट बांदी की जानिब से मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया था। मजकूरा कैंप में डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी और डॉक्टर अजहर बिन हैदर मलक ने 270 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त चेकअप किया और हर मरीज को मुफ्त दवाएं दी। इमदादी सरगर्मियों का यह सिलसिला ताहाल जारी है। शहर नवाबशाह के मुतासर इलाके ताज कॉलोनी में मेडिकल कैंप के इनेकाद का ऐलान किया जा चुका है, जबकि दीगर इमदादी सामान की तकसीम के हवाले से रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बांदी और नवाबशाह यूनिट का मुश्तरक इजलास हो चुका है। ताहाल होने वाले इजलास में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनियन नवाबशाह के सदर जनाब शाह नवाज़ रहमानी ने कहा कि आइंदा भी दुखी इंसानियत की खिदमत में नवाबशाह यूनिट पेश रहेगा। शेर मोहम्मद रहमानी, रहमानी HD न्यूज़, नवाबशाह।